आज हम बनाने जा रहे हैं पापड़ की कढ़ी। इसमें मैंने देखी बेसन ले लिया है, नमक डालेंगे, मिर्च, हल्दी, अब इसे भी भिगो लेंगे। ऊपर रखो, कढ़ाई ले लिए, फिर घी में कढ़ाई डाल देंगे, तो पानी का हाथ लग गया, पीछे डाल लाल मिर्च डाल देंगे, दो लौंग डाल दें, ऊपर का फूल हटा दें, इसे चलाते रहें, इसे फट जाएगी, जो बाल है का छोड़े। बाल आ गया है, इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देंगे, जब ये उबलने लगेगा तो इसमें पापड़ ऐड करेंगे। जब तक आटा लगाते हैं, आटा लग चुका है, कढ़ी में उबाल आ गया है, इसमें पापड़ डालेंगे। मैंने 3 पापड़ लिए हैं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना अच्छा लगे। पापड़ को इस तरीके से तोड़ लिया है मैंने, जैसे कागज फाड़ते हैं वैसे, और इसमें डालते जाएंगे। आप चाहे तो पापड़ उबाल के भी डाल सकते हैं पानी में, जब तक पापड़ गल जाएंगे तब तक पकाएंगे। पापड़ गल गए हैं, कढ़ी हमारी तैयार है। आपको जितनी पतली या गाढ़ी रखनी है उतनी रख सकते हैं। ठंडी होने के बाद थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो हमारी कढ़ी बनके तैयार है, रोटी के संग खाएं मेरे।